वैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग तो हर कोई करता है और कभी ना कभी हमें इसकी जरूरत भी पड़ जाती है। और जब से लॉकडाउन लगा है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जरूरत की चीजें ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ही मंगा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी हुई एक टर्म है ड्रॉप शिपिंग। तो आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि ये होता क्या है और आप अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है। जब भी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो आम तौर पर लोगों को लगता है कि वो कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या कोई और ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट आपकी ऑर्डर की हुई चीजों को अपने पास खरीद कर रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट क्या करती है, अपने साथ एसोसिएटेड किसी दुकानदार को, किसी रिटेलर को या होलसेलर को वो ऑर्डर भेजती है। तब उस ऑनलाइन वेबसाइट से जुड़ा हुआ वो होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार या सप्लायर वेबसाइट से दी हुई ऑर्डर को आपके दिए हुए एड्रेस पर डिलीवर करता है। तो ये जो थर्ड पार्टी सप्लायर है, जो वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, उसको ड्रॉप शिपर कहते हैं। और यही है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रोडक्ट्स को खरीदे उसे ज्यादा प्राइस में कस्टमर को बेच सकता है और बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है। ऑनलाइन के जरिए होने वाले इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरह की इन्वेंटरी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही प्रोडक्ट को खरीदकर उन्हें स्टोर करने की या गोदाम में रखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ऑर्डर किए प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ऑनलाइन वेबसाइट की नहीं होती और ना ही ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चलाने वाले की। ये काम प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार, होलसेलर या रिटेलर का होता है। कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट, एग्जाम्पल के तौर पर फ्लिपकार्ट, अमेज़न, नाइका या मिंत्रा, ये अपने वेबसाइट पर दिए हुए प्रोडक्ट के ओनर या मालिक नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपनी वेबसाइट पर उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले के लिए रखते हैं और उनके साथ जुड़े हुए रिटेलर, होलसेलर या फिर प्रोडक्ट सप्लायर के साथ टाइप होता है। तो कई बार ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करने वाले वेबसाइट और प्रोडक्ट बेचने वाले के बीच मीडिएटर का काम भी करते हैं। तो ऑनलाइन वेबसाइट प्रोडक्ट बेचने वालों को अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देते हैं, इससे उनकी सेल बढ़ती है और ड्रॉप शिपिंग वाले इसे ढेर सारे दुकानदार या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज को वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इससे ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन वेबसाइट को लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा होता है। तो अब जान लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के जरिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग के जरिए जिन प्रोडक्ट्स को कस्टमर खरीदते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स में से आपको अपना मुनाफा निकालना होता है। यानी किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपए है तो आप उसे 120 रुपए में बेचते हैं और वो आपका मुनाफा होता है। इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट साइट के जरिए बेच रहे हैं उसकी होलसेल प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस से काफी कम होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वेबसाइट पर आए और प्रॉफिट का चांसेस बढ़े। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर लिखी उसकी MRP उसके ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा होती है। इसके अलावा कई कंपनीज अपने होलसेल प्राइस में शिपिंग चार्ज भी जोड़ देती है और कई कंपनीज शिपिंग चार्ज अलग से लेती है, जो आपको यानी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने वाले को अपने प्रॉफिट से देना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर लोग प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस में पहले से ही शिपिंग चार्ज जोड़ देते हैं ताकि वहां से प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो ये जानकारी जानने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप शिपिंग सप्लायर की जरूरत भी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि कोई भी बिजनेस डिमांड और सप्लाई के बीच चलता है। ड्रॉप शिपर सप्लायर वो होता है जिसके सामान को आप ऑनलाइन अपनी साइट के जरिए बेचते हैं। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आप अपनी खुद की ऑनलाइन वेबसाइट भी रख सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट और सप्लायर के बीच मीडिएटर का काम भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को चुनना होता है जिसे आप बेचना चाहते हैं और फिर उस सामान को ड्रॉप शिपर सप्लायर से मंगवाना होता है। अब आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट के सप्लायर से मिलकर आपको ये सब कुछ तय करना होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, किस तरह से और कितने दिनों के अंदर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर किया जाएगा जिसका ऑनलाइन ऑर्डर आया है। तो ड्रॉप शिपर सप्लाई से डील होने के बाद वो आपको यानी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने वाले व्यक्ति को उनकी वेबसाइट या फिर किसी दूसरी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन दे देता है और आप उसके प्रोडक्ट की फोटो वेबसाइट पर लगा करके बेच सकते हैं। जिसके बाद आपको जैसे ही उस प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलता है तो आप उस ऑर्डर को अपने ड्रॉप शिपर सप्लायर के पास भेज देते हैं और फिर वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। हालांकि ऐसे भी कई ड्रॉप शिपर सप्लायर होते हैं जो अपने कस्टमर्स को घटिया क्वालिटी का सामान डिलीवर कर देते हैं, इसीलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर ड्रॉप शिपर सप्लाई चुनना होता है जो कस्टमर तक बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुँचाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने कई बार देखा होगा कि लोग ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करते हैं
तो उन्हें साबुन भेज दिया जाता है, जूते ऑर्डर करते हैं तो उन्हें ईंट के टुकड़े भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से ऑनलाइन वेबसाइट कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है और वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने वाले पर उंगली उठाते हैं और इसका नुकसान आपको अपने बिजनेस में झेलना पड़ सकता है। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना चुके हैं और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचेंगे। इसके लिए आप मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं कि लोग ऑनलाइन मीडियम पर किस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं, जैसे कि मोबाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, कपड़े, ज्वेलरी, जूते, फर्नीचर और ऐसे ढेर सारे आइटम आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं जिनके लिए आपको ड्रॉप शिपर सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको रिटेल मार्केट के मुकाबले सस्ते पे अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर बेचने के लिए दे। तो ड्रॉप शिपर सप्लायर चुनने के लिए आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ड्रॉप शिपर सप्लायर सर्टिफाइड है या नहीं। इसके साथ ही आप उसके प्रोडक्ट का खुद इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं ताकि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। किसी एक ड्रॉप शिपर सप्लायर पर डिपेंडेंट ना रहकर आप ढेर सारे ड्रॉप शिपर से मिलकर के उनके बीच कंपेयर कर सकते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और मार्केट में उनकी इमेज कैसी है। इसके अलावा आपको प्राइस कंपेयर करने में भी आसानी होगी। जितना सस्ता प्राइस रहेगा उतना ही मुनाफा बढ़ने की संभावना भी रहेगी। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आप सोल प्रोप्राइटरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यानी LLP और कॉरपोरेशन मॉडल पर भी कर सकते हैं। साथ ही कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की जरूरत तो पड़ती ही है, तो आप खुद के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूर से बनवाइए और अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो किसी CA या लॉयर की हेल्प भी आप जरूर ले, जो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन में मदद करेंगे, या फिर अपनी तरफ से इंटरनेट पर आप रिसर्च जरूर करें। अब बात करते हैं आसान रिटर्न पॉलिसी की। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स को भेजा गया प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है और वो उसे रिटर्न करने की सोचते हैं, इसलिए आपके ड्रॉप शिपर सप्लायर की रिटर्न पॉलिसी काफी आसान होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट को रिटर्न करने में ना आपको और ना ही आपके ग्राहक को कोई भी परेशानी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इतना कुछ जान लेने के बाद में अब हम जानते हैं ड्रॉप शिपिंग के फायदे क्या क्या है। किसी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में ड्रॉप शिपिंग को करना बहुत ही आसान है और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरह की पढ़ाई या ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस थोड़ी सी समझ और मेहनत के दम पर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करने में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो लोग कम पैसा लगाकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है। इस बिजनेस को करने के लिए बस एक वेबसाइट बनाने का खर्चा आपको उठाना पड़ता है। इसमें रिस्क फैक्टर भी कम है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी को बस रिटेलर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से डील करनी होती है और उनके बनाए गए सामान को बिना उनसे खरीदे ऑनलाइन बेचना होता है। इसलिए अगर आप इस फील्ड में आते हैं और किसी वजह से बिजनेस फेल हो जाता है तो ऐसी सूरत में ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। वैसे अकेले भी शुरू कर सकते हैं आप इस बिजनेस को। जी हाँ, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस उन बिजनेसेस में से एक है जिनमें किसी प्रकार की भी लेबर या कर्मचारियों की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण आप हर महीने सैलरी देने के खर्चे से भी बच जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को दो तरह से किया जा सकता है, जिसमें से पहले तरीके में आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे कि eBay या फिर Amazon के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं खुद के ऑनलाइन स्टोर खोलने से जुड़े फायदे की। Amazon और eBay जैसी थर्ड पार्टी साइट से प्रोडक्ट बेचने की जगह आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं, लेकिन खुद का ऑनलाइन स्टोर खोलने के कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने पे आपका काम आपके कंट्रोल में रहता है और थर्ड पार्टी पर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। साथ ही अपनी वेबसाइट से आपके बिजनेस को एक नई पहचान भी मिलती है और Amazon और eBay की तरह आप भी फेमस हो सकते हैं और वैसे भी थर्ड पार्टी को फीस नहीं देनी पड़ती है। है ना फायदे की बात। लेकिन कहते हैं कि जहां फायदा है वहां थोड़ा नुकसान भी है, तो खुद के ऑनलाइन स्टोर खोलने से जुड़े नुकसान की हम बात करें तो अपनी वेबसाइट बनाना आसान काम नहीं है और खुद की वेबसाइट पर ज्यादा खर्चा भी है और आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अपनी वेबसाइट के लुक, नाम, लीगल फॉर्मेलिटीज और डिजाइन पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी तो लोगों के द्वारा आपकी वेबसाइट पसंद नहीं की जाएगी और ऐसा होने से आपके व्यापार को नुकसान होगा। और तो और, अपनी साइट पर कस्टमर्स की भीड़ बढ़ाने के लिए आपको किसी वेब सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ेगी।
इनके अलावा भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस विद Amazon या eBay, तो आपको www.oberlo.in और www.shopify.in पर इससे जुड़े ब्लॉग और डिटेल्स मिल जाएंगे, जिनसे आपको काफी नॉलेज और डीप रिसर्च मिल जाएगी। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि बिजनेस ड्रॉप शिपिंग का हो या फिर कोई और, आपकी अच्छी जानकारी हमेशा आपको हेल्प करेगी। साथ ही ऐसे लोग जो ऑलरेडी बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्विक सपोर्ट आपके लिए ऐसे ढेर सारे केस स्टडी वीडियोस लाता रहेगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ऑलरेडी आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो आज हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्के से प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।